भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर एनेक्सी भवन के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 5 सितम्बर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिक्षा में जो सुधार हुआ है वह कभी नहीं हुआ था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी, जिस पर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 2017 के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया और कायाकल्प योजना के माध्यम से स्कूलों की दशा सुधारी गई। विद्यालय में शौचालय, फर्श, छत की व्यवस्था को ठीक करवा दिया गया। अब विद्यालय में अच्छी शिक्षा दी जा रही है। जहां लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, अब स्कूलों में एडमिशन हो रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को बधाई व शुभकामना देता हूं, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। शिक्षा से एक अखंड देश का निर्माण होता है। इस अवसर पर CDO संजय कुमार मीना, BSA रमेंद्र कुमार सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, हम सभी को कार्यक्रम एक ही भाव से अपने संकल्प और आशा से सब बलिदान और सब शिक्षा के प्रति उनका विशेष लगाव रहता है। शिक्षकों की सेवा में सुधार करने और उनके हितों की रक्षा के प्रति मजबूत करने की हमेशा कटिबद्ध रहते हैं। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आज यहाँ पर
शरीर में शिक्षा दे रखे हैं, आमूल को परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को सम्मानित करने का कार्य भी किया। हम सब जानते हैं कि जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से फंस गई और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पर मंथन कर रहा उस दौरान 2020 में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक और अपनी ही ज्ञान स्रोत को करने में कैसे हमारे शिक्षण संस्थाएं ओतप्रोत हो सकती है और एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है उसका एक दर्शन व्यवस्थित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो अभियान प्रदेश भर और प्रदेश भर प्रारंभ हुए हैं भारत को उसी प्राधान पहचान शिक्षा क्षेत्र में भारत को जगत गुरु के रूप में स्थापित करना उसे दिलाने में सफल होगा इसमें उनकी भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। शिक्षा के प्रति बहुत कुछ करने की संभावना है, थोड़ा सा प्रयास करके ऐसे परिवर्तन आदि गुरु शिव एवं समस्त चराचर जगत की स्वच्छता के लिए सदैव अपना भरा रखें। ये समस्त एक प्रतीक स्वरूप है एकल कमलों से प्रशस्ति डायट एक ऐसी संस्था है जहां से विभिन्न प्रकार के निरंतर आज 5 सितंबर 1888 पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है और उसी अवसर पर हम सब लोग शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों के योगदान को पहचानने के लिए ये कार्यक्रम जो है आज यहाँ पर जो रखा गया है आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं हृदय से मैं स्वागत करता हूँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। गुप्ता जी, श्री देवी प्रसाद जी, फिर से सुश्री साधना सिंह जी, तालियां बस के लिए सदैव तत्पर हैं, शायद उनके माता पिता भी अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। साधना सिंह पुरस्कारों की श्रृंखला में अगले मिस्टर अजय कुमार राव जी भरहट से, डॉक्टर राकेश यादव जी बढ़लगढ़ से। इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं जंगल पौड़िया से श्री प्रभात त्रिपाठी, आप दो लोग कटवाएं इधर आ जाएंगे। देखिए आज 5 सितंबर है तो शिक्षक दिवस है, उसी पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जो अच्छे कार्य जो शिक्षक किए हैं उन्हीं को सम्मान करने का ये कार्यक्रम रखा गया था और आज यहाँ पर प्रवीण कुमार मिश्रा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि 2017 से लगातार
शिक्षा में जो सुधार हुआ है, मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी, वो कहीं न कहीं पिछली सरकारों में उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस पर जोर दिया और कायाकल्प योजना के माध्यम से स्कूलों की जो दुर्व्यवस्था थी उसको सुधार किया गया। विद्यालय में सभी सुविधाओं जैसे टॉयलेट की भी व्यवस्था है, फर्श की भी व्यवस्था ठीक हो गई, छत की व्यवस्था ठीक हो गई, रंग रोदन हो गया, बाउंडीवाल हो गया, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ने की व्यवस्था हो गई, डेस्क बेंच की व्यवस्था हो गई। आज हमारे जूनियर और प्राइमरी विद्यालयों में गाँव से हर बच्चा अब उस विद्यालय में पढ़ने के लिए इच्छुक है। अब हमारा गांव का जो विद्यालय है वह किसी कॉन्वेंट से कम नहीं है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। और मैं कह सकता हूं आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, शिक्षा सबके जीवन में ज़रूरी है और हम शिक्षा से ही बच्चों में चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और चरित्र निर्माण से अपने देश का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा का बहुत ही महत्व है। मैं एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में, आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर, हम सर डॉक्टर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्व कृष्ण राधा कृष्णन जी को मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और अपने सभी शिक्षकों को आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी को शिक्षक के दिवस के अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को मैं उनका नमन करता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं और कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ठीक ढंग से वो करें ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल।